हेलो। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैं आज का जो टॉपिक लेकर आया ये चिकलेट फूड के ऊपर है। तो चिकलेट फूड जो होता है वो मेनली आपको परचेस करते टाइम दो चीज़ का ध्यान रखना है। पहले तो आपको वो जो साइज़ होगा वो 1.5 इंच से 2 इंच का रखना है। और जो चिकलेट होगा उसको मेनली 3 टाइप्स का मेनली फूड दिया जाता है, जिसमें पहला तो आएगा आपके पास एक चिकलेट फूड जो कि एकदम अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। मैं एक्चुअली आज ही परचेस करके लेकर आया हूँ। पहले वाला जो था इसको मैंने यूज़ कर लिया ऑलरेडी, तो मैं सोचा कि इसके ऊपर आज एक वीडियो बनाया जाए। तो आज का जो ये चिकलेट फूड है ये मेनली पैलेट्स होता है, जो कि स्मॉल पैलेट्स होता है कि जैसे कि आप ये देख रहे हो। तो ये जो पैलेट्स होता है ये एक्चुअली साइज जो है इसका 1.5 mm रहता, सॉरी। तो ये आप फीड कर सकते हो आपके चिकलेट के लिए डेली बेसिस पे। ज़्यादातर इसको तो मैं मॉर्निंग में देता हूँ जबकि वो एम्प्टी स्टमक रहता है और उसको डाइजेशन एकदम प्रॉब्लम नहीं आता है। तो पैलेट्स मेनली मैं मॉर्निंग 9 o'clock को दे देता हूँ अपने फिशेस के लिए। सेकेंड जो रहेगा मेरे पास ये ब्लडवर्म्स है, जो कि मैं ज़्यादातर यही फीड करता हूँ क्योंकि एक्चुअली इसका रिव्यू भी काफ़ी अच्छा है। और ये जो ब्लडवर्म्स है ये स्टेरलाइज ब्लडवर्म्स होता है, जिससे इन्फेक्शन का प्रॉब्लम आपके फिशेज़ के लिए बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये मैं फीड करता, ज़्यादातर आप अवॉइड कीजिए। आपको जो फिशेज है ये जो नॉर्मली मिलते हैं मार्केट में, फ्रोजन हो गए ऐसे सब बोल के आपको मिला दिया जाता है, सो आप अवॉइड कीजिए क्योंकि वो सब आपके फिशेस के लिए हार्मफुल हो जाएंगे। तो थर्ड जो रहेगा ये मेरा ट्यूबिफिक्स वर्म आता है, जो कि मैं अपने फिशेस को अल्टरनेट डेज पे फीड किया करता हूँ। मॉर्निंग में तो मैं ये चिकलेट फूड करता हूँ, फिर इवनिंग में ब्लड वर्म्स और नाइट में ट्यूबिफिक्स वर्म्स। ब्लड वर्म्स और ड्राई वर्म्स और फिश फूड, ये 3 वैरायटी के फिश फूड आप जब फीड करोगे तो उसका जो एनहांस होगा कलर वो एकदम बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा आपको। प्लस इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रोटीन कंटेंट है ये 60% तक ज़्यादा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। पर ये आप डेली बेसिस में ना दीजिए बल्कि अल्टरनेट डेज पे, जैसे कि ब्लड वर्म्स एक दिन दीजिए और एक ड्राई वर्म्स एक दिन दीजिए। इसमें भी ज़्यादा प्रोटीन होता है, आप देखेंगे तो 60% है, और इसमें फैट कम हो जाता है 12%। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए कभी भी फीड करते टाइम। और चिकलेट फूड में थोड़ा कम रहता है 42%, जो कि 27-30% रिक्वायर रहता है, थोड़ा ज़्यादा दीजिए जिससे उनका जो एनहांसमेंट रहेगा वो आपको बेटर और जल्दी मिलेगा। और चिकलेट फूड के बारे में तो इतना ही था जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो कोशिश कीजिए कि अच्छा फूड दीजिए उनको और उनका जो ग्रोथ है वो एकदम बेस्ट क्वालिटी में एनहांस होके आपको मिल जाए। थैंक यू।